हेलो एवरीवन, वेलकम टू द खाना। घर घर का आज की रेसिपी है चने की मसाले वाली दाल। तो आइए चलते हैं टेस्टी और हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनने वाली दाल यानी चने की दाल आज हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। एक कटोरी हमने चने की दाल ली है, इसको हमने साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे और अब इसको अच्छे से हम धुल लेते हैं। दाल को अच्छे से हमने धुल लिया है। अब इसमें हम पकने भर का पानी डालेंगे। पानी वही आप 2 गिलास 2.5 गिलास जैसे आपका मन हो गाढ़ी पतली खाने का, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास बड़े बड़े हमने यहाँ पर पानी डाल लिया है। यहाँ पर थोड़ी हम हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वाद के हिसाब से ही हम इसमें नमक डाल देंगे। स्वाद के हिसाब से आप कम ज़्यादा जितना पसंद करते हो तो नमक डाल दीजिएगा। अब कुकर का ढक्कन है ये हम लगा देंगे और इसको गैस में चढ़ा देते हैं। इसको हम 4 से 5 सीटियां हम तेज आंच में पकाएंगे। इसके बाद वही 2 से 3 मिनट हम धीमी आंच में पकाएंगे और फिर गैस को हम बंद कर देंगे। देखते हैं दाल कितनी पकी है। तो ये दाल है हमारी पक गई है। अब इसमें हम छौंका लगाने की तैयारी करते हैं। चने की दाल में छौंका हम थोड़ा सा लगाएंगे खड़े मसाले का भी। तो यहाँ हमने काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, हींग है, जीरा है और थोड़ा सा जायफल है, दालचीनी है, ये हमने ले लिए। तेज पत्ता अगर आपके पास हो तो वो भी आप डाल लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ हम धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी हम इसमें डालेंगे। अब एक हम भगोना लेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल लिया है। अब इसको हम गैस में चढ़ाते हैं। देखिए घी जो है वो गर्म हो गया है। तो अब ये जो खड़े मसाले हैं ये हम सब एक साथ इसमें डाल देंगे और गैस को हम थोड़ा धीमा ही रखेंगे, नहीं तो मसाला है ये जल जाएगा। आप देखिए जो मसाला है हमारा खड़ा मसाला ये हमारा जो है पक गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा ये गरम मसाला है वो डाल देंगे और इसी में हम थोड़ा सा ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। ये चने की दाल को आप चीनी के साथ खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगी। और यहाँ हल्का सा हम मिर्च का पाउडर है वो डाल देंगे। अब सब हमारा देखिए पक गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये जो दाल है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छा से ये आपकी चने की दाल जो है वो रेडी हो गई है। इसको आप थोड़ा सा इसमें चीनी डाल लीजिएगा खाते समय, अगर आप पसंद करते हैं थोड़ा सा मीठा तो ये चने की दाल जो है चीनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। अब ये अच्छे से हमारी जो है जो चने की मसाले वाली दाल है वो तैयार हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी दिखने भी लगी है और धनिया से स्वाद भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये आपकी जो दाल है अब रेडी हो गई है। इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती हम इसमें और डाल देते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी ये हमारी जो चने की मसाले वाली दाल है वो तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ये दिख रही है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइए। बहुत ही सिंपल विधि है, अब बहुत ही जल्दी बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार आप चने की मसाले वाली दाल आप ज़रूर बनाइए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, थैंक यू।